पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के समापन अवसर पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन रेलवे अधिकारी क्लब में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक SL शर्मा, मुख्य यांत्रिक प्रबंधक अजय सिंह, मुख्य राजभाषा अधिकारी PD शर्मा, राजभाषा अधिकारी ध्रुव कुमार, CPRO संजय यादव सहित रेलवे के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस मौके पर रेलवे के अधिकारियों ने हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल देते हुए हिंदी के उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर हिंदी पखवाड़ा पर आयोजित प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत चेतना पांडे के सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुई। इसके बाद कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से श्रोताओं को मग्न मुग्ध कर दिया। महाप्रबंधक से दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम के आरंभ करने हैं। मैं अपने मुख्य एक बार कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट होता है आपसे। देशों के अनुरूप मुख्यालय का राजभाषा विभाग गत 3 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित राजभाषा पखवाड़े के दौरान नित्य एक न एक रोचक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर 3 सितंबर को हिंदी नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कला समिति गोरखपुर की नाट्य टीम द्वारा प्रस्तुत महमूद नाटक एवं लखनऊ नाट्य टीमों द्वारा शिलालेखी नाटक का मंचन किया गया। गोरखपुर की नाट्य टीम द्वारा प्रस्तुत महमूद नाटक विजेता घोषित हुई और इस दौरान हिंदी क्विज प्रतियोगिताओं, निरीक्षणों एवं बैठकों का आयोजन भी किया गया। राजभाषा पखवाड़ा के समापन के रूप में आज का ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। अपने आप मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। पांडे जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी दासता के प्रति समाज में क्रांति लाने का बिगुल फूंक दिया था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की हमने सबने तानी थी। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूँ अपने राजभाषा विभाग के, उन्होंने आज एक मनोहारी काव्य संध्या का आयोजन किया है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित कविता के शिल्पकार अपनी उत्कृष्ट रचनाओं की प्रस्तुति से हमारे रेलवे कर्मियों के अंदर एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करेंगे। और भाषाई एकता से ही राष्ट्र की अखंडता सुदृढ़ होती है। कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। प्राचीन काल से हिंदी हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है और आज ये भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है, भाई है और देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को भी पुष्ट किया है। संजय श्रीवास्तव, चीफ स्टाफ सर्जन। ट्रैफिक के दोनों सेक्रेटरीज की टीम ने पास होके ऑडियंस के लिए आता। डिप्टी इंजीनियर TM KK यादव सर, सर चपरासी प्योर शिक्षक, मुख्य संरक्षा अधिकारी कार्यालय, इंजीनियर पावर विद्युत मिट्टी में मिला दे कि जुड़ा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुड़ा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दिए किसी शख्स ने आंखें रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। नाद की देवी ज्योतिर्मयी, नाद की देवी वीणा पाई शारदा
मसीहा हैं, ये दोनों ही मसीहा हैं, सभी ज्ञानी बताते हैं। ये दोनों ही मसीहा हैं, सभी ज्ञानी बताते हैं। ये दोनों ही मसीहा हैं, सभी ज्ञानी बताते हैं। और इनका फलसफा क्या है, इनका फलसफा क्या है, ये खुद कविता में गाते हैं। इनका फलसफा क्या है, ये खुद कविता में गाते हैं। और ये धरा जब याचना करती, धरा जब याचना करती और सदी जब छटपटाती है, कहीं जाकर के धरती पर तब ऐसे लोग आते हैं।